वेलकम दोस्तों, लिनॉक्स 600 टैबलेट के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देता हूं। लिनॉक्स के अंदर होता है लिनेजोलिड, एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है, कम करता है, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एक तरीके की ये बहुत ही अच्छी दवाई, हायर एंटीबायोटिक है, सुपर एंटीबायोटिक है, स्पेशली जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए विंकोमाइसिन मेथिसिलिन, तब ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है, इसलिए लिनॉक्स 600 लिखा जाता है। बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है काम करने का, जिसका तरीका ये है कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देती है, जिससे ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अगर लिनॉक्स 600 की बात करें तो आप ऐसा समझें कि ये जब बाकी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, तब ये काम करती है, इसलिए काफ़ी महंगी भी है। इस टैबलेट की बात करें तो ये लगभग 400 रुपये की पड़ेगी आपको एक स्ट्रिप, इसलिए ये महंगी होती है लिनॉक्स, और इसके अंदर होता है लिनेजोलिड। अब अगर इसकी बात करें इस दवा की कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये लिखा जाता है, जैसे अगर आपको ये टेबलेट दी गई है तो एक तो निमोनिया है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का निमोनिया स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर हो गया है, तब फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है, स्किन में हो गया इन्फेक्शन, स्किन के अलावा साफ टिश्यू में इन्फेक्शन है, या हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो गया है, स्टेफारियस से सेलुलाइटिस है, जॉइंट की इन्फेक्शन हो जाए, या आर्थोपेडिक जो डिवाइसेस रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हड्डी के अंदर कोई नेल वगैरह डली है, या सर्जरी के बाद मेनिनजाइटिस, तो इस तरह के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उसमें ये लिनॉक्स 600 लिखा जाता है। या तो जैसे किसी को ऑपरेशन हुआ है, उसने पेट का ऑपरेशन कराया, आंत का ऑपरेशन कराया, हर्निया हाइड्रोसील वगैरह, तो उसके बाद ये लिनॉक्स 600 लिख दिया गया है। तो ये बेसिकली सिर्फ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उस पर इसका असर है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस भी इसका असर नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकाकस है, स्टेफेलोकाकस है, एंटेरोकाकस है, इन सब पे इसका असर है। और ये जो दवाई है, डोज की बात करें तो 600 मिलीग्राम है, जो एडल्ट की डोज है वो सुबह शाम दी जाती है। बेसिकली ये तो किस बीमारी क्या है और वजन कितना उस पर डिपेंड करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है इसके साइड इफेक्ट, चूँकि ये बहुत ही यूनिक दवा है, अच्छी दवा, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, दस्त का लगना, उल्टी का लगना, इसके अलावा ये जो खून बनना है वो कम कर देती है, तो खून की कमी हो जाना, प्लेटलेट की कमी हो जाना, WBC की कमी हो जाना, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, बहुत तेज सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है। और इसके अलावा अगर ये बहुत लंबे समय तक यूज की जाए, लंबे समय मतलब कि 4-5 हफ्ते से ज़्यादा, 1-1.5 महीने हो जाए, तो आँख के अंदर जो नसें हैं उसको सूजन कराती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी करती है, नसों में डैमेज करती है, पैंक्रियाज के अंदर एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो ये सब इस दवा लिनॉक्स 600 से ये भी एक समस्या हो सकती है। इसलिए ये दवा अपने से कभी ना खाएं, डॉक्टर की सलाह निगरानी पे ही खाना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज़ की समस्या है, उनको बड़ी सावधानी से इस दवा को खाना, स्पेशली ये दवा खाते समय ऐसे खाने ना खाएं जिनमें टायरामाइन होता है, उससे नहीं तो क्या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या अगर डायबिटीज़ है तो आपका जो शुगर है वो कम हो सकती है। तो ये स्पेशली जिनको BP की समस्या है या तो डायबिटीज़ की समस्या है, वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। और अगर किसी तरीके की और बीमारी है तो ज़रूर बताएं। ये दवा से क्या होता है कि दूसरी जो ड्रग इंटरेक्शन है, दूसरी दवाइयों के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन भी होता है, जैसे कि मानसिक दवाइयाँ हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, इसके अलावा ये TB की दवाइयाँ हैं। ये होता क्या है कि ये दवा एक तरीके का मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी है, तो इसलिए बहुत तरह की जो दवाइयाँ हैं, खांसी कोल्ड की दवाइयाँ हैं, मानसिक दवाइयाँ हैं, एड्रिनर्जिक स्टिमुलेंट है, सेरोटोनर्जिक दवाइयाँ हैं, उन सब के साथ ये शरीर पे नुकसान पहुँचाती है। तो कहने का मतलब है कि लिनॉक्स 600 टैबलेट एक एंटीबायोटिक है, जो स्पेशली एक तरह स्पेशल तरह के बैक्टीरिया में दी जाती है जब वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जैसे कि मेथिसिलिन या विंकोमाइसिन वगैरह, और सावधानी से खाना है, काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और काफ़ी तरह की दवाइयों के साथ ये इंटरेक्ट करती है, उसके असर को कम ज़्यादा कर देती है, तो जब भी चलेगी तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि स्पेशल दवाई है इसलिए ये स्पेशल केस में यूज भी होती है, लिनॉक्स 600, जिसमें लिनेजोलिड नाम का कंपाउंड होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस टैबलेट से संबंधित थी, उम्मीद है ये आपको जानकारी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।